Hey y'all, come look at this. Bonk. ए जे गाली दे रहा है कोई. अरे क्या बोल रहा है? अब बंक बोल रहा है. हाँ. डांडा तू आप. डांडा तू आप. ठीक है, अभी में कितने आते हैं? आप ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? लेकिन आप ईसा फाइज हैं? क्यों? भाई पता है ऑर्डर नहीं कर सकते. लाना तो आप पे. हाँ? लाना तो आप पे. लाना से आप. दोस्तों, काजी साहब खाने डोनट गए थे और खाकर लानत आ गए अवाम में. इस वक्त 25 सितंबर डोनट डे मनाने का ऐलान, और डोनट डे महीने भर तक मनाया जाएगा. दोस्तों, काजी फाइज ईसा को वक्फे से लानतों का सिलसिला जारी. नून लीग का काजी के हक में डोनट पर पाबंदी लगाने का फैसला. तमाम डोनट खाने वालों को अडियाला जेल भेजने की तजवीज. दोस्तों, नून लीग लंदन इलाज करवाने जाती थी, लेकिन उनकी बीमारी अब डायग्नोस कर ली गई है. नून लीग के आने पर चोर चोर के नारे लग जाते हैं, और बाहर जाकर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इफ यू लव मी देन आई लव यू टू. और काजी को लानते मिलती रही, बेटी ट्रांसलेट करके बताती रही, लेकिन वो ना सुन पाए. अब सबके कानों का इलाज लंदन में किया जाएगा. काजी ने बेकरी वाले को अपना नाम तो ऐसे बताया जैसे बेकरी वाले ने इसको खराज अकीदत पेश करनी हो. सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन तक सिर्फ डोनट खाए जाएंगे. अब सियासतदानों की तस्वीरों पे जूतों के बजाय डोनट मारे जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट पर कुछ दिन तक तराजू की जगह डोनट लटकाने का फैसला, जिसके बाद इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ डोनट पाकिस्तान रखने की तजवीज जेरे गौर. दोस्तों, पाकिस्तान में सब बिजनेस डूबने के बाद अब अगर कोई बिजनेस चमक सकता है तो वो डोनट की दुकान है. दोस्तों, पहले नून लीग 9 मई मनाया करती थी, अब हर साल डोनट डे मनाया जाएगा. दोस्तों, नवाज शरीफ कहता था कि मुझे क्यों निकाला, और काजी कहता है कि मुझे लानत क्यों दी. हमारे हुक्मरान बाहर जाते थे, जूते खाकर आ जाते थे, और बेकरीज पर जाते हैं तो लानते खाकर आ जाते हैं. दोस्तों, इमरान खान की सालगिरह मीनार पाकिस्तान पर एतराज किए जा रहे हैं. पीटीआई के मुताबिक अब सालगिरह काजी की बेस्ती बेकरी में मनाई जाएगी. दोस्तों, अब ये लोग खुद को हैवानों की बस्ती बना चुके हैं, जो आज पाकिस्तान को फिरौनों की बस्ती बनाने पर तुले हैं. ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो. ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है. दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क बन चुका है जहां लानत देने पर एक्सट्रीमिस्ट बना दिया जाता है, और बिलावल कुछ भी बोले तो इस पर मीम्स बना दी जाती हैं. दोस्तों, अमेरिका में एहतजाज के खौफ से हमारे वजीर आजम शलवार शरीफ को धोती गिरने से बचने के लिए पिछले रास्ते गार्बेज डंप पर कचरा कुंडी से गुजरना पड़ता है. पाकिस्तान में अगर ये लोग रोड्स पे आ जाएं तो इनको गटर्स में पनाह लेनी पड़ेगी. हुकूमत का नॉन फाइलर को एक और धचका, तमाम नॉन फाइलर्स की सीम्स बंद कर दी जाएंगी. नॉन फाइलर्स को बाहर के मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा. नॉन फाइलर्स के गैस बिजली बंद कर दी जाएंगी. नॉन फाइलर्स को गली में सोटे मारे जाएंगे. नॉन फाइलर्स को दिन में एक दफा खाना खाना होगा. नॉन फाइलर्स के घर चूल्हा चलाने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी. नॉन फाइलर्स की तमाम गैस के कनेक्शंस हुकूमत के कब्जे में कर लिए जाएंगे. दोस्तों, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान में इलाज करवाती है, लेकिन मियां साहब अपना इलाज बरतानिया से करवाते हैं. उन्हें भी पता है कि बगैर टीके इलाज पाकिस्तान में नामुमकिन है. दोस्तों, सिक्योरिटी जराए मीनारे पाकिस्तान के बाहर ऐसे ताले लगा देते हैं जैसे बारात ताले देखकर वापस चली जानी थी. दोस्तों, पाकिस्तान ने 126 मुल्क में वीजा फ्री कर दिया. जनाब, आप वीजा के साथ टिकट भी फ्री कर दें तब भी किसी ने नहीं आना. अवाम को मियां साहब की बहुत कदर करनी चाहिए. वो अपनी माँ को दफनाने पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन अपनी अवाम को दफनाने के लिए पाकिस्तान आ गया. दोस्तों, मौलाना ताहिर अशरफी वो वाहिद अशरफी है जिसका वजन 1 टन का और कीमत 1 टके की भी नहीं है. पाकिस्तान जिंदगी गुजारने के लिए मौजूद तरीन मुल्क है. बस 50-60 साल मुश्किल, उसके बाद सुकून सिर्फ कब्र में है. वो वक्त दूर नहीं जब पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की हुक्मरानी होगी. पूरी दुनिया दूसरे सियारों पर होगी और सिर्फ पाकिस्तान नीचे रह जाएगा. दोस्तों, नून लीग की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से इसमें शामिल होने वाला बंदा राजा रियाज ही है. दोस्तों, पटवारियों ने फातिमा जिना को निकालकर मरियम नवाज को इसमें शामिल कर दिया. अब ऐसे ही हाल रहा तो जिना की जगह नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी. इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला. अभी बदत है भाई, अभी बदत है. लाना तो आप.
आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मजाई वीडियो सिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मरियम नवाज कहती हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। अवाम को भी सोचना चाहिए कि टिकटॉक के साथ साथ मुल्क को खाना फिर हजम करने में बहुत वक्त दरकार होता है। जलसे में एक एक मिनट बाद स्टेटमेंट देना, सुबह शाम कंटेनर लगाने वालों के पास वक्त कहाँ हो सकता है कि वो मुल्क की भलाई के बारे में सोचे। काम कर रहा है उसके लिए तो इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है उसके पास। मुझे अगर कोई ये कहे कि वहाँ जाके जलसा करके आओ, हाँ अगर तामीरी जलसा है तो करके आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बैठ के ये सोचूं कि मैंने फलां की तजलील कैसे करनी है, मैंने एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है। दोस्तों, हुकूमत के पास एक ऐसी छड़ी है जिसे वो आवाम का खून पसीने की कमाई खा खा कर लंदन फ्लैट्स बनवा सकते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत में आके आहें भरते हैं कि काश नौकरी की जादू की छड़ी होती। इतना मैं तड़पती हूँ, काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जो ओवरनाइट में ऐसा चेंज ले आती कि आप लोगों के हाथों में नौकरियां होती और आपका मुस्तकबिल अच्छा होता। जितना मैं तड़पती हूँ, काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जो ओवरनाइट में ऐसा चेंज ले आती कि आप लोगों के हाथों में नौकरियां होती। आवाम की दरख्वास्त थी कि जनाब 14 रुपए का रिलीफ 2 माह में ना दें, बस उतना ही बिल दे दें जितना बनता है, बेशक जादू की छड़ी आप अपने पास रखें। एक जो फुटेज आई है AK-47, आपको पता है ना वो AK-47 क्या होती है? AK-47 के बट मार मार कर एक पैसेंजर वैगन का जो है वो शीशे तोड़े हैं, और इसी किस्म की हरकतें ये पीछे से भी करते आए हैं। इनके अपने सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा वीडियोज मौजूद है। कुछ नहीं बचा। दोस्तों, पंजाब के आधे से ज्यादा लोग जेलों में दहशतगर्दी के जुर्म में जेलें काट रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं, अली अमीन गंडापुर ने उनके बंदे की गाड़ी को डंडे मारे, जो घरों में घुसकर आवाम को डंडे मारती दिखाई दे रही हैं। पैसेंजर वैगन का जो है वो शीशे तोड़े हैं, और इसी किस्म की हरकतें ये पीछे से भी करते आए हैं। इनके अपने सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा वीडियो मौजूद है। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्हाने के बाद। दानियाल साहब, दोबारा चोरों की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे इस वक्त इस टेलीविजन शो पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से सिर्फ एक आदमी है कि जिसने रावलपिंडी की आवाम का वोट चोरी करके वो असेंबली में पहुंचा है, वो दानियाल साहब हैं। तो उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए चोरी की बात करने से पहले कि अपने गिरेबान में झांकें। चोरी के वोट पर, लोगों के वोट चोरी करके आप ऐवान में बैठे हैं। यू आर अ स्ट्रेंजर इन द हाउस दानियाल साहब, थोड़ी शर्म करें, थोड़ी अपने गिरबान में झांकें। और जो आप बात कर रहे हैं कि अपने मुल्क के बारे में किस तरह की गुफ्तगू होती है, तो मुझे याद आता है कि मियां साहब ही हैं ना जो हिंदुस्तान गए थे और जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने ही हमला करवाया मुंबई का। तो बस कर दें आप, जरा अपने माजी में झांकें, जरा देखिए कि आपने क्या क्या किया है इस मुल्क के साथ। यस, यू नो, वो शी स्माइलिंग और वो कहके लगा रही हैं। नहीं, अपनी हंसी वो नहीं, वो कम थोड़ी सी एथिक्स मोरालिटी। मैं साहब नहीं हंसेंगे जी। मैं साहब, आपने नहीं हंसना। मैं साहब, आपने हंसना नहीं है। अजमा साहब, आपने रोना नहीं है। बात शुरू करें।